हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल गाइस। और आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए, क्योंकि मैंने जैसा बताया था आपको कि QRMP स्कीम जो GST रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं उनको QRMP स्कीम के अंदर अपना रिटर्न कैसे फाइल करना है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए अब हम टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक बात, आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। साथ के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप करेंगे ये सारे काम तो मेरे को मिलेगा मोटिवेशन और मैं आपके लिए बनाऊंगा बहुत अच्छी वीडियोस। जितने रिसोर्स हैं मैं उनसे ही आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं और अपनी भी, ठीक है, क्योंकि आपकी हेल्प होगी तभी मेरी हेल्प होगी और अगर मेरी हेल्प होगी तब मैं आपकी और अच्छी हेल्प कर पाऊँगा। तो अपने आप को भी ग्रो कीजिए, मुझे भी ग्रो करने का मौका दीजिए और आपके लिए एक अच्छा कंटेंट बनाने का मौका दीजिए, वो आपके सपोर्ट से ही हो पाएगा। तो चलिए अब हम टाइम ना वेस्ट करते हैं और फटाफट से चलते हैं अपने QRMP स्कीम। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं QRMP का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट। इसमें नाम में ही साफ साफ लिखा है कि आपको रिटर्न तो है क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करना है, मतलब जो भी आपका क्वार्टर होगा उस क्वार्टर के हिसाब से आपको पे करना है। आपको पता है जैसे पूरे साल के अंदर हमारे फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल मई जून 1 क्वार्टर होता है, जुलाई अगस्त सितंबर 2 क्वार्टर होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 क्वार्टर, जैन फेब मार्च 4 क्वार्टर। तो अगर आपको रिटर्न तो क्वार्टरली भरना है, मतलब अप्रैल मई जून का रिटर्न आपको भरना है, फिर सेकेंड क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर का रिटर्न भरना है और इसके बाद आपको थर्ड क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का रिटर्न भरना है और फोर्थ क्वार्टर आपका जनवरी फरवरी मार्च का रिटर्न भरना है। लेकिन आपको पेमेंट मंथली करना है, मतलब आपको क्वार्टर के लिए वेट नहीं करना, आपको पेमेंट अप्रैल में करना है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब हर महीने आपको पेमेंट करनी है। तो ये मेथड ये आपको बोलता है। ये किन के लिए एप्लीकेबल है, जैसा कि आप सभी को पता है जब हमारा नोटिफिकेशन आया था तो ये मेथड उन्हीं, मतलब QRMP स्कीम वही टैक्स पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ तक का है। अगर इनसे ज़्यादा है तो उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, उनको नॉर्मल जो अभी वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं वैसे ही करेंगे मंथली बेसिस पर, ठीक है। तो यहाँ पे QRMP के अंदर आपको ये चेक करना है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर, जैसे मान लीजिए अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है, तो आपको चेक करना है क्या आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में टर्नओवर 5 करोड़ तक था या नहीं था। अगर था तो आप QRMP ले सकते हैं, अगर नहीं था तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एप्लीकेबिलिटी की। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके अंदर रिटर्न कैसे फाइल की जाती है, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी चीज़ें, तो आपको QRMP के अंदर गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी है IFF की, ये आपको आपके GST पोर्टल के अंदर दिख जाएगा जैसे ही आप लॉगिन करेंगे। IFF इसका फुल फॉर्म होता है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। अब ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का मतलब क्या है, जनरली आप सभी टैक्स पेयर को ये पता होगा कि अगर आपको ITC लेना है तो आपको अपना GSTR 2B को देखना पड़ता है और साथ के साथ आपको GSTR 2A को भी देखना पड़ता है कि किन सप्लायर ने रिटर्न फाइल कर दी है। GSTR 2A और 2B को देख के आप अपना ITC को क्लेम करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट, अगर आप एक QRMP स्कीम टैक्स पेयर हैं और आपका जो बायर है जिनसे आप परचेज करते हैं वो नॉर्मल टैक्स पेयर है, या हो सकता है वो भी QRMP हो तो दिक्कत नहीं है, बट मान लीजिए नॉर्मल टैक्स पेयर है, तो अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो अप्रैल मई जून का रिटर्न आप जुलाई में जाके फाइल करेंगे तो होगा क्या, जो आपका नॉर्मल टैक्स पेयर है, ठीक है, जिसने आपको अप्रैल में माल बेचा था, तो वो अपना ITC नहीं ले पाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप हर महीने इनवॉइस को अपलोड कर सकते हैं ताकि आपका बायर ITC क्लेम कर पाए टाइम पे, ठीक है। तो ये IFF की फैसिलिटी जो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, आपके ऊपर आप फिल करना चाहते हैं, अगर आपका रिलेशन अच्छा है तो आप कर सकते हैं अपने बायर के लिए, ठीक है, या आपका बायर काफ़ी बड़ा है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो उसको दिक्कत होगी, वो आपके साथ ट्रेड नहीं करेगा, तो इसलिए ये ऑप्शन दिया गया है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, तो ठीक है आपके लिए। दूसरा,
IFF ऑप्शनल है तो जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं IFF हम कब भरेंगे, तो जैसे अप्रैल का IFF हम अप्रैल 2021 का IFF हम 13 मई 2021 तक फाइल करेंगे, मतलब नेक्स्ट मंथ के 13 तारीख तक आप अपलोड कर सकते हैं, 1 से लेकर 13 तारीख तक अपलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे 1 से 13 के बीच में, वैसे ही बायर के 2A और 2B के अंदर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा और उसको ITC मिल जाएगा, तो ये आपको फाइल करना होगा। लेकिन रिटर्न आपको क्वार्टरली ही फाइल करनी है, ठीक है, ये याद रखना है आपको यहाँ पे। अब हम चलते हैं आगे कि इनका हम लोग जो हमारा IFF है, ठीक है, उसके बारे में तो मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे ही दिया कैसे क्या होता है, थोड़ा सा और पता कर लेते हैं कि IFF को भरना कैसे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल मई जून, तो आप अप्रैल में IFF भरेंगे, मई में IFF भरेंगे, लेकिन जून में आपको IFF नहीं भरना, जून में आके आप GSTR 1 फाइल करेंगे और GSTR 3 भी फाइल करेंगे। जो IFF अप्रैल और मई में आपने फाइल किया उसके अंदर जिन इनवॉइस को आप फाइल कर चुके हैं उन इनवॉइस को वापस से GSTR 1 में आपको नहीं दिखाना, ठीक है, बचे हुए रिमेनिंग इनवॉइस को आपको जून के GSTR 1 में दिखाना है। और GSTR 3 भी तो आप नॉर्मली फाइल करेंगे ITC को देखते हुए, और जितना टैक्स बचेगा वो आपको पे करके सेटल करना है, ठीक है। तो आप अप्रैल में IFF भरेंगे प्लस अप्रैल में आपको टैक्स भी भरना है, मई में IFF भरेंगे प्लस मई में आपको टैक्स भी भरना है, और जून में जब आप GSTR 1 फाइल करेंगे तो वहाँ पे बचा हुआ टैक्स जो भी रहेगा उसको GSTR 3 भी में पे करेंगे, बचा हुआ टर्नओवर GSTR 1 में रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताई कि कैसे IFF आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टैक्स को हम कैसे पे करेंगे IFF के अंदर, या IFF हम यूज़ नहीं भी करते तब भी। टैक्स पे करने के लिए गवर्नमेंट ने आपको 2 मेथड दिए हैं। पहला मेथड दिया आपके पास फिक्स्ड सम मेथड, जिसके अंदर सरकारें बोलती हैं कि आपको 35% आपको टैक्स पे करना है। 35% किसका 35%? अब यहाँ पे 2 कैटेगरी, एक ऐसे टैक्स पेयर जो पिछले फाइनेंशियल में, मतलब पिछले क्वार्टर में, बात करूँ मैं जैन फेब मार्च 2021 की, उस क्वार्टर में वो रिटर्न क्वार्टर बेसिस पे फाइल करते थे, तो उनको अपने पिछले क्वार्टर में जितना टैक्स पे करा है उसका 35%, और वो टैक्स पेयर जो मंथली बेसिस पे टैक्स फाइल करते थे तो उनके लास्ट मंथ जो मार्च का महीना है उसमें जितना टैक्स है उसका 35% वो पे करेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक गवर्नमेंट ने डायग्राम दे रखा है, उसको आप देख समझ सकते हैं, वो मैंने आपको स्क्रीन पे दे रखा है, ठीक है। तो ये था हमारा फिक्स सम मेथड। अब दूसरी बात हम करते हैं, दूसरा हमारे पास सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेल्फ असेसमेंट मेथड के अंदर क्या है गाइस, सेल्फ असेसमेंट मेथड के अंदर ये है कि आपको खुद ही टैक्स का कैलकुलेशन करना है, खुद ही टैक्स का कैलकुलेशन करना है कि आपका आउटपुट लायबिलिटी कितनी है, आपका ITC कितना है, दोनों को एडजस्ट करने के बाद जितना नेट अमाउंट बचेगा वो आप पे कर सकते हैं, ठीक है। फिक्स सम मेथड में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने सेल्फ असेसमेंट पे कर के बेसिस पे पे करा और आपसे गलत कैलकुलेशन हुआ तो गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकती है, ठीक है। और आपको पता है जो टैक्स की पेमेंट है हम GST PMT 06 फॉर्म के थ्रू पे करते हैं, जैसा आप पहले नॉर्मल पे करते थे वैसे ही पे करना है। अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ नहीं है टैक्स की, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसको अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में समझाऊंगा कि आप कैसे इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अब ये है हमारा QRMP स्कीम, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कैसा लगा वीडियो, वीडियो को लाइक करके बताइए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल पाए इस तरीके की वीडियो के लिए। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, GST और अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को कर सकते हैं प्रेस। और इसके अलावा भी और मैनी मोर्स वीडियोज़ के लिए अलग अलग, जैसे PF से रिलेटेड हो सकता है मैं आपके लिए कर पाऊँ, एक्सेल से रिलेटेड कुछ आपके लिए कंटेंट कर पाऊँ, टैली हो गया, मार्क हो गया, जो हो गया, इनसे रिलेटेड अगर कंटेंट बना पाऊँ तो मैं ज़रूर एब्सोल्युटली चाहूँगा कि आपके लिए बनाया जाए और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाए, ताकि आपको भी हेल्प मिले। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, चलिए टेक केयर।